बहुत समय पहले पवन देव की कृपा से अंजना को एक नन्हे पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम हनुमान रखा गया। हनुमान एक असाधारण बालक था। वो बहुत ही बहादुर, शक्तिशाली, निर्भीक तथा बुद्धिमान था। एक दिन भोजन लाने अंजना वन में गई थी। सोया हुआ हनुमान जाग गया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने चारों ओर अपनी माँ को ढूंढा, किंतु वो नहीं मिली। खाना ढूंढा तो वो भी नहीं मिला। तभी बाहर लगे पेड़ के पीछे से उसे लाल लाल उगते हुए सूरज दिखा। उसे देखकर हनुमान ने सोचा, ये लाल फल तो बहुत ही रसीला लगता है। उछलकर हनुमान ने उसे पकड़ना चाहा। पकड़ में नहीं आने पर वो उसे पाने आकाश में उड़ चला। सूर्य भगवान ने एक बंदर को तेज गति से अपनी ओर आते देखा।